पावर, एक की वारंटी, पेलोड कैपेसिटी, GVW मतलब ग्रॉस वेट व्हीकल, शोरूम प्राइस अपने को मिल जाता आपको। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ट्रक पे। आज मैं फिर आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है टाटा 1815 रिव्यू वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलता है इसमें आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू काफी बड़ा सा डिजाइन है इसका। यहां पे आपको मिडिल में टाटा का लोगो मिल जाता है, ऊपर में क्रोम में टाटा का लोगो मिल जाता है और इस साइड में आपको 1815 की गैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है सेफ्टी के तौर पे और इसका विंड ग्लास भी ऐसा मिल जाता है आपको और यहाँ पे एक मिरर मिलता है नीचे देखने के लिए ताकि आप नीचे देख सकें और यहाँ पे एक आपको हैंडल मिलता है ताकि आप अपने व्हीकल को क्लीन कर सकते हैं और ऊपर में देख सकते हैं दो सेफ्टी लाइट मिलते हैं सेफ्टी के तौर पे और यहाँ पे एक बम्पर मिलता है और उसके जस्ट नीचे एक बड़ा सा बम्पर मिलता है और इस साइड में आपको रेडिएटर ग्रे मिल जाता है और यहाँ पे आपको हेडलाइट, आपको हैलोजन हेडलाइट मिलता है और इंडिकेटर भी हैलोजन में मिल जाता है और यहाँ पे आपको दो रिफ्लेक्टर मिलते हैं सेफ्टी के तौर पे और यहाँ से आप टोचन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पिन दिया हुआ है, उसके जस्ट आगे में नंबर प्लेट अटैच होगा। चलिए दिखाते हैं उस साइड और क्या कुछ देखने को मिलता है इस व्हीकल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इसका साइड व्यू। साइड व्यू में आपको दो मिरर मिलते हैं, एक वाइड एंगल एक नॉर्मल व्यू के लिए और यहाँ पे आपको फुटस्टेप मिल जाता है ऊपर चढ़ने के लिए और इसमें टायर आपको 12 इंच के मिलते हैं और ब्रेक चारों के चारों ड्रम है जो कि न्यूमेटिक ब्रेक है जो कि एयर को वर्क करते हैं और आप देख सकते हैं इसका कार्गो केबिन। कार्गो केबिन में आपको येलो कलर का स्ट्रिप्स मिलता है सेफ्टी के तौर पर और यहाँ पे हुक मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको हुक मिल जाता है अपने कार्गोस को अच्छे से बांध करके लेके जाने के लिए। रॉ मटेरियल है तो आप अच्छे से पैक करके लेके जा सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं 25 लीटर का इसमें आपको डेप्थ टैंक मिल जाता है और डीएल टैंक 160 लीटर का मिलता है और इस व्हीकल का माइलेज आपको 5.5 से 6 का मिल जाता है। और आइए आपको दिखाते हैं इस साइड और क्या कुछ देखने को मिलता है और आप देख सकते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी सही मिल जाता है आपको इस व्हीकल में और टायर इसमें नंबर सब 6 टायर्स मिलते हैं आपको इस व्हीकल में और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल जाता है आपको एक मडगार्ड स्टील का और इस साइड आपको मडगार्ड मिल जाता है रबर का और प्लास्टिक का जो कि आपको रेनी सीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो व्हील चॉक मिलता है ताकि आप कहीं भी गाड़ी खड़ा करें तो आप इसको यूज़ कर सकें सेफ्टी के लिए। आइए आप इसका पीछे का व्यू दिखाते हैं। इसका पीछे का व्यू में आपको यहाँ मिडिल में टाटा का पंच का लोगो मिल जाता है और आपको तीन सेफ्टी के लिए आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं स्टिकर और यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाता है अपने कार्गोस को बांधने के लिए और इसमें बैक सेंसर आता है, 5 बैक सेंसर के साथ व्हीकल आती है और फिर टेलाइट कुछ इस प्रकार का मिलता है, वो हैलोजन टेलाइट टोटली मिल जाता है जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होता है और यहाँ पे आपको एक बम्पर मिल जाता है। आइए आपको इस साइड दिखाते हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं आप इसका इस साइड का व्यू सिमिलर उस साइड के जैसा ही है। यहाँ पे आपको एक स्टेपनी व्हील मिल जाता है और कुछ इसी टाइप का सारा कुछ इंटरफेस आपको इधर मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्ड मिलता है ताकि कोई भी गाड़ी से टकराए तो वो गाड़ी के अंदर ना जाए, बाहर ही रह पाए और यहाँ पे आपको एयर सिलेंडर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एयर ड्रायर मिलता है एयर को फिल्टर करके यूज़ में लाने के लिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डीजल फिल्टर मिल जाते हैं आपको और यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है 12 वोल्ट की और यहाँ पे वैसा ही आपको मडगार्ड मिलता है और यहाँ पे आपको टिल्ट केबिन मिल जाता है। यहाँ से आप केबिन खोल के अपना इंजन को नॉर्मली चेक चेक कर सकते हैं, कहीं से लीकेज वगैरह है या कुछ भी है तो आप तुरंत देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए आपको इसका अंदर का व्यू दिखाते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है अंदर में आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं इसका चढ़ने का जो आपको फुट स्टेप मिलता है काफ़ी सही मिल जाता है, यहाँ से आप आराम से ऐसे करके चढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं इसका गेट का व्यू। गेट में आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रैब ताकि आप यहाँ से खींच के अपना गेट को बंद कर सकें और यहाँ पे आपको गेट अनलॉक करने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे नॉब मिलता है आपको ग्लास को ऊपर और नीचे करने के लिए और यहाँ पे आपको एक सेफ्टी लॉक भी मिलता है
आइए आप दिखाते हैं आपको इसका अंदर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह कैसा देखने को मिलता है इसमें। और आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपको RPM मीटर मिल जाता है, उसके नीचे टेम्परेचर मीटर मिल जाता है, और इस साइड आपको स्पीडो मीटर मिलता है, और यहाँ पर आपको फ्यूल का गेज मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ओडोमीटर रीडिंग मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको माइलेज मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको न्यूट्रल इंडिकेटर मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एयर प्रेशर बार चेक करने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज मिलता है, और यहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है, और इस साइड आपको डेफ मिल जाता है, और ऊपर में भी कुछ कुछ लाइटें हैं जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको टाइम सेट करने के लिए और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स को देखने के लिए मिल जाता है, और मिडिल में आपको चमकता हुआ टाटा का लोगो मिल जाता है। और इसका स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा देखने को मिलता है, टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, मिडिल में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है क्रोम फिनिश में, और हॉर्न के लिए यहाँ पे मिल जाता है बटन आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइपर कंट्रोल करने के लिए मिलता है, और इस साइड में जस्ट आपको हेडलाइट कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है, और इंडिकेटर कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, और देख सकते हैं इस साइड आपको 4-5 बटन मिल जाते हैं, कुछ कुछ कंट्रोल्स हैं यहाँ पर आपको बता देते हैं। यहाँ आपको रीजनरेशन चालू और बंद करने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इंजन ब्रेक के लिए मिल जाता है, अगर आप घाटी वगैरह में अगर डाउन में अगर उतर रहे तो इंजन ब्रेक दबा के उतरे ताकि आपका गाड़ी कंट्रोल में रहे, और यहाँ लाइट मोड है, हेवी मोड मिल जाता है, अगर आपका गाड़ी लोड है तो हेवी मोड में चले, और अगर आपका गाड़ी खाली है कम लोड है तो लाइट मोड में चले, और यहाँ आप देख सकते हैं आपको ब्रेक्स मिल जाता है हैंड ब्रेक यूज़ करने के लिए, यहाँ से आप हैंड ब्रेक ऑपरेट कर सकते हैं। ऊपर में आपको जस्ट हेल्प बटन मिल जाता है, और इस साइड में आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉट मिलता है, यहाँ से आप मोबाइल चार्ज करके यहाँ पे रख सकते हैं, और आपको ब्लोवर वेंट मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ ब्लोवर ऑपरेट करने के लिए नॉब मिल जाता है, यहाँ आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ग्लो बॉक्स मिल जाता है, अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस मिलता है आपको, और उस साइड में आपको स्पीकर मिल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लोवर वेंट मिल जाता है, और आप देख सकते हैं इसका गियर नॉब 5-speed गियर के साथ में ये व्हीकल आती है, जिसमें कि आपको मिलता है रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, और आप देख सकते हैं इसका सेटिंग पोस्चर कुछ जेंटल सा सेटिंग पोस्चर मिल जाता है आपको, यहाँ आपको सीट बेल्ट मिल जाता है सेफ्टी के लिए। प्लीज़ जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ड्राइव करते समय आप सीट बेल्ट ज़रूर यूज़ करें सेफ्टी के लिए, ताकि आप सेफ रहे और आपका फैमिली भी सेफ रहे। देख सकते हैं आप कुछ सीट बेल्ट ऐसा मिल जाता है, अच्छा क्वालिटी का सीट बेल्ट मिलता है इस व्हीकल में आपको, और यहाँ पे आपको सनवाइज़र भी मिल जाता है ताकि आप धूप में अपना इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कुछ टिकट वगैरह पेपर वगैरह होल्ड कर सकते हैं, और इस साइड में आपको केबिन लाइट मिल जाता है यूज़ करने के लिए, LED सेटअप है पूरा, और पीछे आपको एक विंडो मिलता है ताकि आप अगर दिक्कत हो तो आप हवा के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अपने व्हीकल को देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इस व्हीकल में आपको ड्राइवर को लेके 3 जने का आपको मिल जाता है कैपेसिटी, 2 जन आप यहाँ पे कैरी करके बिठा के चल सकते हैं कहीं भी, और इस व्हीकल का आपको पेलोड कैपेसिटी 12 टन का मिल जाता है, और लोडिंग एरिया 20x7.5 फीट का मिलता है, और जो इसका हाइट है 6 फीट का मिलता है आपको, और इस व्हीकल का टोटल ग्रॉस वेट व्हीकल है मतलब GVW है वही 17,750 kg, और इस व्हीकल में आपको टाटा का इंजन मिलता है जो की 4 सिलेंडर 3.3 लीटर का मिल जाता है, और इसका पावर 155 HP का जनरेट करती है, और टॉर्क इसका 450 Nm मिल जाता है, जो कि गाड़ी के हिसाब से काफ़ी सही इंजन मिलता है इसमें आपको, और इस व्हीकल की वारंटी 3 साल और 3 लाख किलोमीटर की मिल जाती है, और इस व्हीकल का आपको दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 25 लाख से 28 लाख का मिल जाता है, और ये प्राइस आपका शहर टू शहर वेरी करती है, अगर ये व्हीकल आपको परचेज करना तो आप अपने नज़दीकी डीलरशिप में पता कर सकते हैं क्या प्राइस इसका चल रहा है अभी। और इसी टॉपिक के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलता है मुझे, और कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट का हम रिप्लाई जरूर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।